इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान रखा है कि अगर अकल दांत निकलता है यानी कि जो विजडम टूथ होता है जब वो निकलता है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो कैसे निकलता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं एंड उसका आप घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं एंड डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही जान रखी है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अकल दांत अच्छे से निकल चुका है, पूरा उसका इरप्शन हो चुका है एंड उसके बाद भी उसमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसका क्या कारण है एंड किन कारणों की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही है। गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपर कुलम यानी कि जो दांत है हमारे मोलर्स यानी कि जो अकल दांत होते हैं जब वो निकल जाते हैं उसके बाद पेन होने का कारण क्या होता है। आपको पता ही होगा कि जो हमारा जॉ है यानी कि जो मुंह है उसमें तीन जो मोलर्स होते हैं, खाना चबाने वाले जो दांत जिसे हम कहते हैं, जिसे जॉ भी बोला जाता है आम भाषा में, वो तीन होती है। तो दो दांत तो बहुत आसानी से आ जाते हैं बट जो लास्ट दांत होती है, जो सबसे लास्ट में आती है, उसे हम अकल दांत कहते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में वो दांत अच्छे से तो निकल जाती है लेकिन होता क्या है, कम स्पेस होने की वजह से जो मसूड़ा होता है, जो हमारे चिक्स के तरफ जो मसूड़े होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैसे कि अगर ये दांत है हमारा निकल चुका है तो ये जो मसूड़े होते हैं जो जॉ के पास, वो उसे उस दांत को ढक देती है जिस कारण से वो पॉकेट बना लेती है एंड उसमें खाना फंसने लगता है। खाना फंसने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग या सूजन आ जाती है एंड इसी कारण से उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। गाइस जब वो फ्लैप ऊपर चढ़ जाता है, दांत के ऊपर जब फ्लैप चढ़ जाती है तो अगर आप गार्गल करते हैं, वार्म सलाइन डिजेस लेते हैं या फिर नॉर्मल पानी से भी गार्गल लेते हैं तो वो फ्लैप इतना हेवी होता है, इतना ज़्यादा फ्लैप वो होता है कि वहाँ से जो खाना फंसा होता है वो नहीं निकल पाता है। तो आखिर हमें रीज़न हो गया कि इन कारण की वजह से पेन होता है। इसका सेकेंड रीज़न क्या होता है दर्द होने का, जब फ्लैप ऊपर चढ़ जाती है दांत के ऊपर तो वो पेन क्रिएट करती है, दांत को तो वो पूरा कवर कर देती है, किसी किसी कंडीशन में वो दांत को हाफ कवर करती है, किसी किसी कंडीशन में पूरा कवर कर देती है। खाना चबाते हैं तो जो ऊपर के दांत होती है यानी कि जिस दांत में हमें परेशानी है, जो नीचे का दांत है और उसमें स्वेलिंग है, फ्लैप ऊपर चढ़ गया है एंड उसके अपोजिट यानी कि ऊपर के जो दांत हैं वो प्रेजेंट है माउथ में, जो मोलर टूथ है पीछे का वो निकल चुका है, तो जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम खाना खाते हैं और जब मैस्टिकेशन होता है तो वो दांत आके उस पर चोट पहुंचाती है, उसे इंजरी पहुंचाती है। ऊपर के दांत होते हैं लाइक आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब मैस्टिकेशन लोड आता है और जब हम खाना को चबाते हैं तो इस तरीके से जो दांत है एक दूसरे से टकराते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर जो फ्लैप है वो दांत के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उस पर चोट आती है, उस पर इंजरी आती है, तो वैसे कंडीशन में भी इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग बढ़ जाती है, रेडनेस आ जाता है एंड पेन काफ़ी होती है। तो सो गाइस ये कारण होता है बेसिकली कि अगर हम जो हमारा अकल दांत है वो निकल चुका है लेकिन उसके बाद भी दर्द क्यों होता है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया इसका कारण, अब जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। होने की वजह से यानी कि उसके ऊपर मसूड़ा चढ़ जाने की वजह से फूड खाना फंसता है तो इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कैविटी हो सकती है यानी कि दांतों में सड़न आ सकती है। तो अगर दांतों में सड़न है तो अगर रेस्टोरेशन का कंडीशन होता है तो उसमें रेस्टोरेशन करते हैं यानी कि मसाला भर के उसे वहीं पर ठीक कर दिया जाता है एंड अगर RCT की कंडीशन होती है तो RCT की जाती है। ज़्यादातर करके ऐसे केस में जो दांत होते हैं उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि जो अकल दांत होती है वो इतनी फंक्शनल नहीं होती है एंड उसका जो RCT है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, उसके चांसेस कम होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे निकाल दिया जाता है। दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट आता है वो है कि जो हमारा अपर कुलम है यानी कि जो मसूड़ा है जो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं उसे मेडिकल टर्म में अपर कुलम कहते हैं, तो उसे कट करके सर्जिकल प्रोसेस से निकाल लिया जाता है ताकि जो हमारा दांत है वो सेफ हो जाए अगर उसमें कैविटी या किसी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है तो।
उससे बचाया जाता है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड गाइस अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।